क्या मतलब स्क्रीन शेयर कर दें قالوا ادع لنا ربك सत्तर नंबर आए थे ना शेम मतलब सत्तर नंबर जी शेम उसने कहा उन्होंने यानी मूसा ने कहा कि बेशक वो एक गाय है जो कि नहीं जोती गई यानी कि गैरु मुज़ल्लल काम में नहीं जिसको जोता गया लगाया गया तो सीरुल अरबा जो खेती में जमीन में हल चलाती हो यानी तुकल्लिबु अली ज़राअती कि उसको ज़राअत के लिए जोता गया हो बल जुमला तो ये तो सीरुल का मतलब नहीं होगा जोती गई ज़ुलूलुन हाँ जी खिदमत वाली ना हो जी जी ज़लूलुन दाखिला तो फिर नफी ज़लूलुन जो है ये नफी पर दाखिल हुआ है वला यानी हल चलाने वाली ना हो जी वला दस्तलास और ना ही खेती को पानी पिलाने वाली हो पानी देने वाली हो अल अफज़ल अल अफज़ल उसके पता चले कि उसको काम के लगाया गया लाशिया तक यह उसमें कोई दाग धब्बा ना हो यानी लॉन्ग यानी कि रंग उसका ऐसा हो कि कोई और रंग का दाग ना हो फिया उसमें गैरु लोनो उसके अपने रंग के अलावा कालू उन्होंने कहा अल आना जी तबील हक अब तू लाया है हक को नतकता यानी नतकता बिल बयाने के अब तूने जो बात है ना वो वाजे की है अत्ताम पूरी तरह से फतरा दूहा तो उन्होंने उसको तलब किया वजह दू है तो उन्होंने इसको पा लिया एंदल फितल बारी एक लड़के के पास जो कि फरमा बरदार था कि उन्हें ही अपनी मां का फतल एंदल फतल फतल बारी फतल बार जी ऐसे एक ऐसे उस ऐसे नौजवान के पास है जो अपनी मां का फरमा बरदार था फस्तर हुआ तो उन्होंने इसको खरीद लिया भी मिल ही मिस किया मल ही मिस भर सोना भर ऐसी है ना सर जी जिल्द उसकी जिल्द के बराबर सही है जो वो गाय थी उसकी खाल में यानी कि जितना सोना भरा जाएगा वो उतनी कीमत दे के उन्होंने उसको खरीद लिया अच्छा आगे कहाँ गया अच्छा जी तो उनके लिए वही काफी होती हो जाती क्या अच्छा उसका क्या मतलब है सर जी बदला हो जाता काफी होती काफी हो जाती और जो गाय दफा कर देते जी वो ही काफी होता बलाकिन शद्दा भी लेकिन उन्होंने बहस की आला अनफुसीम अपने नफ्सों पर यानी कि वो बहस में पड़ गए शद्दा दरवाजा तो अल्लाह ताला ने भी उनके लिए शिद्दत की सख्ती की जी जी
स्कूल तुम नफसन, और जब कहा तुम में से वाइस कतल तुम नफसन, जब कतल किया तुमने एक नफ्स को फतार, तुम तो फिर आपस में तुम झगड़ने लगे। फी ही इदराम दाली फिताई, इसमें दाल का ताम इदराम हुआ है। ऐ तखासम तुम तदाफेतुम, यानी कि आपस में झगड़े और एक दूसरे के खिलाफ वो बहस करने लग गए दिफा करने के लिए अपना टाल डोल। इस बारे में, इस मामले में अल्लाह मुखलिजम, और अल्लाह ताला मुखलिजम निकालने वाला है, यानी कि मुजिर को जाहिर करने वाला था, इस मामले में बहाजा एतराज, और ये जो है जुमला एतराजी है, मुतरिज है, अव्वल किस्सा, और ये किस्से के पहला हिस्सा है, किस्से में पहले किस्से में है, आगाज है, किस्से का क्या है, आगाज है, और पता रहो के बदले इसको बता रहे हैं कि ये जुमला मुतर्रिज है जी। जी शामत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़क़ुल नज़रिबूहु, पस कहा हमने मारो तुम उसको, इल कतील, यानी कि जिसको कत्ल किया गया है, कतील को, भी बाज यह उसके बाद हिस्से पर, फ़ज़ुरिबा बिलिसान यह, पस उस गाय की ज़ुबान के साथ मारा गया, अव अजबी जाना बिहा, या उस गाय की दुम की जड़ के साथ, आखिरी के साथ मारा गया उसको, कतील को। वकाला कतलानी, कहा उसने मुझे फलां और फलां दोनों ने जी फहैया, पस वो जिंदा हुआ। वकाला उसने कहा कतलानी, कतल कतलानी, मुझे कत्ल किया है इन दोनों ने, यानी फलां फलां ने, समझ रहे हैं ये। अच्छा तस्निया का सीखा नहीं, क्योंकि आगे भी तस्निया आ रहा है, आगे भी तस्निया आ रहा है, नहीं ये यहाँ तस्निया नहीं है, अल्गलिफ तो नहीं है, कतल नहीं है ये। अच्छा ये उसके लिए है, ठीक है, बारकल्लाह। कतल किया है मुझे फलान और फलान ने, और माता, और फिर वो फौत हो गया, उसके चच्चे के दो बेटे जो थे ना, उन्होंने दोनों ने मिलकर मुझे क्या कर दिया, कत्ल किया, कत्ल कर दिया। नहीं इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या जो लब नहीं, लीब नहीं है, लब नहीं, लीब नहीं, अब नहीं तो है, पीछे ना क्या है, लीब नहीं, कत्ल जी, लीब नहीं, फुला फुला ने कत्ल किया, वो फुला फुला कौन थे, उसके चच्चा के दो बेटे थे, वो बयान बयान हो गया, ये बता के वो फौत हो गए जी, वो फौत हो गया। फहूरी माँ, पस हराम कर दी गई मीरास, मीरास को हराम कर दिया गया, कुतिला, वो दोनों मारे गए, कत्ल किए गए, काल फहूरी माँ, वो दोनों महरूम कर दिए गए विरासत, सॉरी महरूम कर दिए गए विरासत से, वो महरूम कर दिए जी, वैसे कुतिला, उन दोनों को कत्ल कर दिया गया। कहा अल्लाह ताला ने फरमाया, कदालिका, इसी तरह, अलहया, जिंदा होना है, यही अल्लाह मौत, अल्लाह ताला मुर्दा जिंदा करेगा, मुर्दों मुर्दा को, इफाल से ठीक है जी, मत बबिफाल से अहिया यही इहान ठीक है। वह यूरीकुम आयाती ही, वो दिखाता है तुमको अपनी निशानियाँ, दलाइला कुदरती ही, अपनी कुदरत के दलाइल, ताकि तुम समझो, तदब्बर होना, तदब्बर करो तुम, फ़तअलमून, पस तुम जानो, अन्नल क़ादिर बेशक क़ादर, अला इह्याई जिंदा करने पर, नफ्सुन किसी एक नफ्स को, क़ादिरुन वो क़ादिर है, अला इह्याई नफूस कसीरतिन बहुत ज़्यादा नफूस को जिंदा करने पर, फ़तुमिनून पस तुम ईमान लाओ, सुम कसद कुलूबुकुम फिर सख्त हो गए तुम्हारे, हाँ जी वो सबको भी जिंदा कर सकता है, हाँ जी, सुम कसद कुलूबुकुम फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल, अय्युहल यहूद यानी के यहूदियों के, सलुबत अन कबूल हक़, सख्त हो गए हक़ को कबूल करने से, मतलब ये मिन बाद ज़ालिका, इस के बाद, यानी कि अल मज़कूर मिन इह्याए अल क़तीली, कतील के ज़िंदा होने के, अल मज़कूरी यानी कि जिसका जिक्र, अल मज़कूरी
من احياء القتيل قتيل کے زندہ ہونے کے ذکر سے کے بعد وما قبل وما مذکور وما قبل ہو جو اس سے پہلے آیات میں سے گزرا ہے ٹھیک ہے فاہیا کل حجار آتی جی جی بالکل شہ متر اس سے اس کے بعد ہاں جی وہ سارے ہیلے بہانے کرنے کے بعد اور یہ واقعہ دیکھنے کے بعد ان بھارے دل سخت ہو گئے فاہیا کل حجارت فی القصوہ پس وہ پتھر کی طرح ہو گئے قصوہ سختی میں او اشد قصوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے منہا اس سے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور پتھروں میں سے بے شک پتھروں میں سے بعض لمایت فَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ایسے ہیں کہ جو پھوٹ پڑتی ہیں اس سے نہریں وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے بعض لما یَشَّقَّقُ پھٹ پڑتے ہیں وہ پتھر فیہ ادغام تائی اس میں تاک لما یَشَّقَّقُ شیخ محترم لما پڑا ہے عفواً نیت میں لما آئی تھا سوری شیخ محترم جی فی شیوتر وہ روحانی کے اندر ایسے کئی غلطیاں جاتی ہیں ذہن میں نہیں ہوتی دماغ میں وہی چاہتا ہوتا ہے ٹھیک ہے شیوتر ایک دلیل جو مل گئی نہ ہمیں تو پھر وہ استعمال تو نہ کرتا ہی نہ فیہ ادغام تائی تا کا ادغام ہے اصل میں یہ تھی تا ہاں جی شین تا تھی سین میں ادغام ہونا اس کا تا کو ادغام کا یہ تھا یت شققو افتعلا کے بدلے میں تشقق یا تشققو اشقق یا شقق اتشقق اشتقق 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 تا کو شین میں مدغم کر دیا جی تا کو ادغام کیا شین میں اصل میں تھا ہاں جی ٹھیک ہے مطلب تا کو شین سے بدلا شین کا شین میں ادغام کر دیا باب افتعال اشتقاق افتعال باب افتعال سے نا اشتقاق یشتقیق اشتقاق جی شیخ مطلب فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ پس نکلتا ہے اس سے پانی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں يَنْزِلُ مِنْ عُلُوِّ إِلَى سَفْلٍ یعنی کہ بلندی سے عُلُوِّ إِلَى أَسْفَلِ إِلَى أَسْفَلِ ہے میرے کو تیہی لیا ہے سَفْلٍ اچھا میرا جو نسخہ ہے مطلب میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں اصل میں ہاں جی ٹھیک ہے اوپر سے نیچے کی طرف ٹاپ سے باٹن کی طرف من خشیت اللہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے وقلوبکم لا تتأثروا اور تمہارے دل نہیں انہوں نے اثر لیا اسے قبول کیا نہ وہ نرم ہوئے نہ وہ ڈرے خشیت اختیار کی تمہارے دلوں نے وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ تعالیٰ نہیں یہ غافل اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُكُمْ اور تو صرف تم کو مہلت دیتا ہے مؤخر کیا ہے اس نے تم کو ایک وقت کے لیے وفی قرات بالتحتانیہ اور قرات میں بالتحتانیہ تھی اس کا کیا مطلب ہے محترم تحتانیہ بھول گیا نا ہاں آپ نے پڑھائی تھی بالکل بالکل بارک اللہ بھی تو یہ ساری اصطلاحات لکھی ہوئی تھی بھول گئی میں تو اجرا دوبارہ سے کراؤں بھول گیا سچی بات بھول گیا یعنی یعملون ٹھیک ہے یہ ایک
या मनु तो फिर ये इंतफात होगा मुखातब से गायब की तरफ, मुखातब से गायब की तरफ, गायब की तरफ, इतफात खताब से अब समझ आई है। आगे कोई और पढ़ेगा? आसान ही है मतलब। मैं पढ़ना फिर गढ़ते हैं, गढ़ रहे हैं, छूट गढ़ वल हमजतुल इनकारी और हमजा इनकार के लिए ला तत्मऊ यानी कि तुम ऐसा मत तवक्का रखो, ऐसा मत चाहो। फलहुम साबिकतुन बिल कुफ्र तो उनके लिए कुफ्र के जरिए से पीछे रह जाना, उनके लिए कुफ्र की वजह से सकत है, यानी कुफ्र के अंदर वो पहले सक्कर ले जा चुके हैं और उनको पर उनके भारी, ये उस वक्त जुमला बोला जाता है पला उन सवाबिक जो आपने पढ़ा है उसके अंदर पला किस किताब का है सवाबिक कहाँ पे शेम मोहतरम शरा में पढ़ा शायद सर शरा में नहीं पढ़ा नहीं फिक में भी नहीं पढ़ा फिर कहाँ आता है मंतिक में हुकूक में पढ़ा नहीं नहीं मंतिक में तो नहीं हो सकता ये सवाबिक ये तो उसमें होगा जो हुकूक साहबा में होगा हुकूक साहबा में पढ़ा है ना सवाबिक साहबा के लिए उसमें सबकत है नेकियों में जी ये जालिमों की कुफर में सबकत है अल्लाह अकबर अल्लाहुम्मा अन्ना ताजुहुम सादिकतुन रजा यानी वापस मुबशरम तो नहीं है सर जी दिल की बिशारत दी गई है हमारी किताब खुशखबरी दी गई है हमारी किताब खुशखबरी थी उनकी किताब में खुशखबरी थी ना रसूल अल्लाह के आने की अलहदा होते हैं अपने सरदारों की तरफ उन लोगों के सरदार जो मुनाफिक नहीं हुए उससे जो मुनाफिक हो गया अतुहद्दिसूनहुम क्या तुम बयान करते हो उनको यानी मोमिनों को बिमा फतहल्लाहु अलैकुम उस चीज के बारे में जो अल्लाह ने वाज़े कर दिया है तुम्हारे ऊपर ऐ अर्रफकुम यानी कि वाज़े कर दिया है बता दिया है तौरात ताकि वो तुम पर हुज्जत लाए ताकि वो तुमसे झगड़ा करे बदलाम उली सैरूरा और लाम सैरूरत के लिए
انجام کو کہتے ہیں انجام کو کقول ہی لعدو بتاؤ گے نا تو نتیجہ کیا نکلے گا پھر تم سے انجام وہ تو بس جھگڑا کریں گے میں ہی اس کے ذریعے اتنا روپے کو تمہارے رب کے پاس فی الاخرت ہی آخرت میں وہ یقیم علیکم الحجت اور وہ قائم کریں گے تمہارے خلاف حجت کو فیما طریقہ طرح کا اتباع ہی اس چیز کے ان کی اتباع کے فطر کی اتباع ہی ان کی اتباع کے چھوڑ دینے کے معاملے میں ماں علم کو تمہارے علم کی باوجود صدق ہی ان کی سچائی کے بارے میں تمہارے علم کے باوجود ان کی اتباع کو ترک کرنے کے معاملے میں کیا مطلب وہ تمہارے اوپر اس بات پر حجت کریں گے اللہ کے سامنے کہ تمہیں ان کی سچائی کا علم تھا پھر بھی تم نے ان کی اتباع نہیں کی افلا تعالی وہ سب تم سے جھگڑا کریں گے اذا حدثتم جب تم ان سے بات کرو گے فتن تو تو باز آ جاؤ جی آگے قال اللہ تعالی سانئ اول یعلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے الاستفہام للتقریر استفہام تقریر کے لیے ہے والواو داخل علیہ للعطف اور جو واو داخل یعنی اس بات بیان کے لیے اس بات کے لیے ڈانٹ کے لیے تو پکا ہے ان کو صحیح ہے پکا ان کو بڑا ہے صحیح ڈانٹ کے الفاظ تقریر اس بات پتہ ہے والواو والداخل علی الوطف اس پر جو داخل اور نظر کے جی ان اللہ لا یعلم ما یسرون وما یعلنون کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں ما یخفون وما یسرون جو کچھ بھی وہ چھپا دیتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ ظاہر کر دیتے ہیں ذالک وغیرہ اس بارے میں اور اس کے علاوہ میں فیر او ذالک تو رک جائے وہ اس سے رک جائے لمن دلت شبیبہ ولت ماشاءاللہ بڑی یاد رکھیں اس پہ بہت محنت ہوئی بڑی مزے کی شبیبہ تو چلی گئی میری جواری اس کے لیے اعتماد کرتے ہیں ان ماہوں سے وہ سب
और वो नहीं और वो सब नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दे नबुवत नबी वगैरह मुख्तलिफून और वो नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत के इनकार में इनकार में असल में ये इनका माना बता रहे हैं माँ नहीं अलग है माँ इनका तर्जुमा है मतलब जी जी किसी तफसीर ही नबुवत नहीं वो नबुवत नबी नबी सल्लम की नबुवत के इनकार और दीगर नबियों की नबुवत के इनकार ये उन बातों में से जिन्हें वो घड़ते हैं तो ये नहीं है मगर यजुन्नूना जन्नन ये कुमार लाइल वाला का क्या जिसको वो घड़ते हैं इस तला का कमाल होता है घड़ना अच्छा तो इख्तलाफ नहीं होता तो ये जो ये काफ के साथ इख्तलाफ ठीक है शेम होता हूँ ठीक है शेम होता हूँ समझ लगे तो मतलब ये है कि ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इंकार कर रहे हैं और दीगर अंबिया की नबूवत का इंकार करते हैं या इस बारे जो भी बातें घटते हैं अपने पास तो ये नहीं है वह इन नहीं है ये नहीं ये मगर घटते क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपनी तरफ से बातें घटते हैं और इस पर इनका कोई इल्म नहीं यानी कि होम की ये तफसीर है इसे मतलब होम का उन्होंने इसी बात किन नबी इस्लाम को इस्तेमाल किया है इख्तिलाफ को इन इख्तिलाफ ऐसे कर किसने इस्तेमाल किया नहीं वो पढ़ने के बाद अब मुराद ये है उन बातों में जिनमें वो गढ़ते हैं और नबी सिस्टम की नबूवत के इनकार में और जो दूसरे अंबिया हैं उनके इनकार में गेम के गुमान है ठीक है बारकल्लाहु फीकुम शेख मोहतरम ठीक है اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل بالثلاثه شدة عذاب عذاب کی شدت الذي يكتبون الكتاب بيدهم لوگوں کے لیے جو للذين سوری الذين يكتبون الكتاب بيدهم ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کتاب کو اي مختلفا من عندهم اختلاف ہے من گڑتے ہوئے مختلفا من عندهم گڑنا بات ہے اس میں اختلاف کرتے ہیں من عندهم اپنی طرف سے اختلاف کرتے ہیں نا اختلاف نہیں ہے گڑنا हाँ बिल्कुल मतलब वो सही ना रवानी के अंदर मेरे कॉल की डिनाइल हो गई है बोर्ड कट लिखा है इसको
रहे हैं सर? आवाज आपकी कट गई। आवाज आ रही है सर मतलब मेरी? अब आ रही है। कतब हुआ, उन्होंने किताब को लिखा जिस तरह उतारी भी गई थी ना उसके उसके खिलाफ लिखा। माशाल्लाह जी मुकम्मल, आज तो सारे लैसे लगते हैं माशाल्लाह, रंग सही चढ़ गया साथ पे सिबगा तो उस्ताद अल करीम। ये मतलब एक सवाल पूछ लूं इसके बाद, वो भी ऐसी है ना जी, क्या तूने तकबर किया है तो वो उसमें भी हमजा दूसरा जो असली है वो गिर गया और हमजा इससे काम रह गया। माशाल्लाह
انکار کریں. یہ اس قرآن آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہود و نصاریٰ نے تورات پہلے یہ بتائیں جی. پہلے یہ بتائیں آپ سوالی شیخ محترم جب اس طرح کا سوال کرتے ہیں تو میں اس لیے پھر ڈر لگتا ہے کہ شیخ محترم کوئی لطیفہ سنا دینا پھر. سوال یہ ہے اس آیت میں یہ چیز معلوم ہو رہی ہے کہ یہود و نصاریٰ نے کتاب کی تحریف کی تورات کی بھی. یہ آج کل کے جو کرسچن ہیں وہ نہیں مانتے. میرا ایک کرسچن سے ٹکرا ہوا ہے ہمارے دفتر میں ہے, کہتا کوئی نہیں بدلی یہ دلیل, مطلب قرآن کو تو نہیں نہ مانتے وہ. آپ نے پڑھا نہیں ہے, ان سے پوچھنا تھا کہ تمہارے نزدیک انجیل کی کتنی قسم ہے. وہ تو میں نے اس کو بتایا گوسپل ہے ان کی, میتھیو ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے نا, اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے وہ بالکل محفوظ ہے. پرانی جو ان کی بائبل ہے شیخ محترم, اب بڑی وہ اس کو میں نے کہا, میں نے کہا تمہاری تو ہر جگہ چینج ہے, دلیل تو بڑی دی ہے لیکن ان کی کتاب میں سے میرے خیال وہ دلیل دیں تو پھر مانیں گے, ایسے نہیں وہ مانتے. ہاں جی گوسپل ہے شیخ محترم کی, یہ گوسپل کو بہت مانتے ہیں. پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک ہے, ہاں جی اور بھی کافی ہے. ہاں جی کس نے شیخ محترم؟ آپ نے. میں نے؟ اچھا مناظرے کرتے ہیں ماشاءاللہ, مناظرے اسلام ہیں. نہیں وہ ایک دفتر میں لڑکا ہے ہے, وہ نائب کا صدر ہے تو وہ آج کل پادری بننے کی پوری کوشش کر رہا ہے نا, ان سیکھ رہا تو وہ میرے بڑے قریب ہے, بہت قریب ہے میرے, مطلب میرا وہ سمجھنے کہ میری کوئی بات بھی ڈینائی نہیں کرتا, بتایا تھا نا, تو اس کے ساتھ ایک تعلق ہے. تو میں نے اس کو کوشش کی تھی تو اس کو میں توحید پہ لے کے آیا تھا. وہ کہتے ہیں شبیہ ہے عیسیٰ علیہ السلام, بیٹے نہیں ہیں, شبیہ ہیں. شبیہ اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا مناظرہ کیا تھا صفات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی توحید. جی ان شاء اللہ ماشاء اللہ اچھی دی ہے صلاحیت. نہیں میں ان شاء اللہ کوشش کر رہا ہوں اس کو مطمئن کر لیتے ہیں ماشاء اللہ. نہیں سلام ان شاء اللہ. ایسے ہی کافی لوگ ہیں, ایک کرسچنز بہت ہیں ہمارے آفس میں, ایک بندے کے ساتھ میرا ہو گیا نا کرسچن تھا وہ, جی قادیانی بھی ہیں, کرسچن بھی ہیں, ایتھسٹ بھی ہیں, بڑے ہیں کافی لوگ ہیں, بڑا پڑا ہے آفس. آج کون سی کتاب پڑھنی تھی؟ حدیث.
आज बलागा है और हदीस थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, अभी टाइम अगर है तो, अगर नहीं है तो फिर बलागा पढ़ लेते, पढ़ लें हदीस, पढ़ लें, अजान भी होने वाली है 7:14 देवबंदियों की तो शुरू हो गई है, वो हो गई शेख मोहतरम अजान दे रहे हैं माशाल्लाह साथ ही मस्जिद नगर के। प्याले جدتي ام عاصم قالت नहीं शे मतलब कुछ हम मैच्योर फेज में ना इसलिए हम समझ लेंगे चल जी अच्छा शे मतलब फिर वो तारीख का हिस्सा भी बन जाती है अच्छा 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 वो इस तरह के वो ना कहीं उनकी ना सास से बका फोन आ गया अच्छा तो उन्होंने फिर अपनी जुबान में उनसे बस उसी लड़ाई की अल्लाह अल्लाह मेरे साथ जो तालिबे अपने मैंने तो बड़ा जख्म किया सही कहते हैं बंदे को बहुत सही बात है ये नहीं पता लगता है हमारी मस्जिद में खतीब साहब
हुआ ना हमारी मस्जिद में, खतीब साहब आए, तो आपको पता है खतीबों के फिर अपने नखरे होते हैं। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। जनाबे वाला खतीबों को चलाने के लिए कारी साहब ने एक बंदे को माइक दे दिया, वो बुजुर्ग थे, बड़े अच्छे बुजुर्ग। खतीब साहब एक शेर पढ़े, वो साथ कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुबालगा रही, पता लग रहा होता है। वो इतनी मुश्किल से जो है ना हंसी गिर जी जाना, और रफी क्या बात ही ना। सही कहते हैं चले जी, पढ़े नहीं जी आप जी भाई, माशाल्लाह ये जुमला क्या वतन तारीख है सर। آدمی इसको क्या मतलब है लाहिसा? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी तरह साफ चाट के साफ करें। उंगली से चाटे नहीं। वैसे शेख मोहतरम, जो एक चीज़ हमारे रिवाज के मुताबिक माशरे में एक ऐब समझी जाती है, कई जगह पे वो नहीं समझी जाती। अच्छा नहीं, वो जुबान से उंगली, उंगलियों को चाटते जैसे हाथों से, ये पेशावर के इलाके वो भी जुबान से नहीं चाटी जाती। केपीके के इलाके में जाए ना डेरा इस्माइल खान, तो वहाँ पे वो उनकी बड़ी ज़बरदस्त डिश है सरीद, उसे कहते हैं सरीद, तो वो सारे बैठ जाते हैं उंगलियों के साथ ऐसे हाथ डाल डाल के खाते हैं इकट्ठे ही एक बड़े सारे परात के अंदर। उंगलियां तो चाटना है ना, उंगलियां चाटनी तो अलग है, वो तो ऐसे जैसे चूसी जाती है ऐसे होती है ना, उस बात से थोड़ी चटी जाती है। लेकिन चले खैर हम आगे चलते। अच्छा ये की बात करते हैं ना, शरीद हमारे बाजार में बहुत बनाई जाती है, बहुत ज्यादा जी। शेम बड़ी जबरदस्त शरीद, इसके अलावा दाल की शरीद जी जी शरीद, ठीक है। यानी जिस दिन खाना नकारा बनाओ ना, कलमा शरीफ बना लेते हैं, तो बड़ी नरम हो जाती है रोटी और ज्यादा खाई जाती है। मतलब मैं ना डेरा इस्माइल खान गया था, तो वहाँ पे रिवाज है बड़ा जबरदस्त, वो मेहमान को ना सारे इकट्ठे होते हैं 10 को बंदे,
तो बहुत बड़ी परात के अंदर रोटियां डाल के शोरबा अंदर गोश्त का तो सारा इकट्ठे होकर खाते हैं ऐसे ही एक ही परात में। ये पठानों का तरीका बिल्कुल वही बता रहा हूँ मैं। ये वहाँ पे बड़ी चलती है डिश बड़ी। ये जो था ना जी हाँ हाशिम का माना भी यही है वो अपने मेरे ख्याल रोटियाँ खिलाने वाला तो तोड़ तोड़ के खाने वाला रोटी रोटी तोड़ तोड़ के खिलाने वाला जी। ये अगर गर्म किया जाए पहले इस तरह अब्दुल्लाह भाई कह रहे ना पकाया जाए फिर गर्म किया जाए यानी मतलब उस तरह बड़ा मजा आता है मतलब गर्म गर्म खाया जाए तो इतना बड़ा टेस्टी बड़ा मजा आया चबाने की भी जरूरत है। जी जी ऐसा ही है जी। वहां पे बस मदारिस के अंदर जो है ना मदारिस के अंदर जी आप शौक से बना ठीक है। अच्छा और दूसरा एक ये और दूसरा ये है जब सालन खत्म हो जाता है ना तो जो बड़ा सा तिल्ला होता था सालन लगा होता था तलबा ना पता क्या करते थे रोटी लेकर ना उसको अंदर लगा देते थे वो रोटी का वो नान की शक्ल इख्तियार कर जाती अब फूल जाती नान जी। ये वैसे मैंने अक्सर घर में भी करता होता हूँ जब दिल करे ना तो नरम रोटी ये सही किया दलील साथ दे दिया कहते खाने की बात बिल्कुल सही है। अपने सामने से खाने का बयान लगता है मुझे आ रही قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وزعت المائده فليأكل مما يليه جب كان ركجه تو اپنے ساتھ سے کھاؤ کھانا فلا يتناول اور نہ کرو من بين يدي جليس اس کے آگے سے جو پاس بیٹھو ایسے سے ہاں جلیس کہتے ہیں ساتھ بیٹھو فیل جلیس جی فیل ساتھی تو کہتے ہیں نا اپنے ساتھی کے سامنے سے یہ جالشا سے سب مشبہ اور جالس سب فائل ठीक है माशा अल्लाह जमना ना पड़े जी मतन अनाबी इकरा इशिन बिन ज़ोई बिन उनके बाप से इकराशिन इकराश बिन ज़ोईब से قال قال اوتي النبي النبي صلى الله عليه وسلم आए चलिए ये ना यहां से फिर अंदर पढ़ेंगे ठीक है जी जी मतन जी सर बारक अल्लाह फिक आज अंदर शर्त तो नहीं पढ़नी है शर्त भी पढ़नी है शरा है वैसे शरा तो सदा बहार है शे मोहतरम नहीं मेरे ख्याल एक दिन नहीं होती है तो सही है। सिस्टर ताहरा ने शेयर की थी ग्रुप में कि शरा यहाँ से यहाँ तक है मैंने भेजी थी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं शे मोहतरम तैयारी की थी हुई है पढ़ लेने हैं चले फिर खोले फिर पढ़ता हूँ फिर चले फिर ये तर्जमा करें अब्दुल मनान भाई नहीं पढ़े इन्नी लारा रूसन कद ऐना अग वहान किताफुहा इन्नी लसाहिबुहा बेशक रुपता देखे मैंने सर कद ऐना अग रूसन सरदार सरदारों को देखा मैंने अल्लाह अकबर रास है रूस देखे सर देखे किसका तर्जमा लारा ये अच्छा ये बाबे बाबे फा हैं अरा यूरी
उसने देखा। अच्छा ये बाबे फाल है फिर ये मतलब कि कंफ्यूज हो गया। रूस बेशक मैंने अलबत्ता हाँ जी ठीक है ओके ओके बारह गल्ला बेशक देखा मैंने रूस हाँ अरा का अब ये इसमें नहीं अरा यूरी ये वसली वो हमजा कतई है तो ये तो बाबे फाल है बाबे फाल की कतई होता है। अच्छा ठीक है शेम होता ना रंग सारा लथ गया जे सारा सिबका नीचे उतर गया जी जी बिल्कुल शेम होता हूँ समझ लग गई थी बस हो गई मैंने तो हाल दूसरा समझ लिया था मंसूर सुन रहे तो हाल वाला बताइएगा तारा पी मकनिया जी हाँ शारा इस्तियारा मकनिया अच्छा माशाल्लाह आपको तो आता है शिमतर वो रंग जो चढ़ा था उतर गया इसलिए कह रहा हूँ अब समझ नहीं आ रही कल पढ़ेंगे कौन नहीं आता शिमतर सही बात फ्रेश हो जो पहला सबक होता है ना वो बड़ा बेहतरीन तैयार होता है माशाल्लाह आज मैं शेह मोहतरम अंदाज़ा लगा रहा था जितने को महाज हमने पकड़े हैं ना माशाल्लाह सारा दिन बैठ के पढ़े ना फिर सही मज़ा आता है पढ़ने का दफ्तर ना जाए जाए कोई काम मतलब तीनों किताबें इनको पहले तैयारी करना फिर नोट्स बनाना फिर उसके बाद हुकूक़ सहाबा वाला उसकी तैयारी करना उसके भी नोट्स बनाना फिर कोई तहरीर लिखना